आगे बढ़ेंगे और अब बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की। रायपुर में हो रहा है कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन और इसको लेकर तमाम दिग्गजों ने ताकत झोंकी हुई है। यहीं से स्ट्रैटेजी तैयार होगी, यहीं से तैयारी होगी कि कैसे विधानसभा चुनाव में और कैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फतेह हासिल करनी है। बड़ी खबर, रायपुर में कांग्रेस का ये अधिवेशन जारी है। सबसे पहले स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इस मीटिंग को किया जा रहा है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अशोक गहलोत हैं, जयराम रमेश हैं। अधिवेशन में तमाम बड़े दिग्गजों का पहुंचना अभी भी जारी है। भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह भी इस अधिवेशन में शामिल हैं। खास बात ये इस अधिवेशन की होगी कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में क्या लाइन पार्टी की रहती है, किस लाइन पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, अभी तक की जो कमियां हैं उन्हें दूर कैसे किया जाना है। और सबसे बड़ी बात ये, कांग्रेस की तरफ से जो बयान दिए जाते हैं जिनसे विवाद खड़ा हो जाता है, उन विवादों से कैसे बचना है। रायपुर से रजत राकेश टंडन की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इसके लिए और 2023 में विधानसभा चुनाव के लिए आज से कांग्रेस का महाअधिवेशन रायपुर में शुरू हो रहा है। पहले ये मंच देख लीजिए, जहां से 3 दिन तक कांग्रेस का एक कार्यक्रम चलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 85वां महाधिवेशन है ये और शहीद वीर नारायण सिंह नगर रायपुर, नया रायपुर में हो रहा है। ये मंच है, यहीं पर बड़े नेता बैठेंगे। एक बार आपको इंतजाम दिखा देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि प्लेनरी सेशन में होता क्या क्या है। आज स्टीयरिंग कमेटी, यानी सीडब्ल्यूसी नहीं है इसलिए स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग होगी। स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग में फाइनल्स होगा कि कौन कौन से वो ड्राफ्ट्स हैं। कई पॉलिटिकल कमेटीज, विदेश की कमेटी, फाइनेंस कमेटीज बनाई गई है, अलायंसेस को लेकर बातचीत होगी। ये आप देखिए भव्यता है, क्योंकि पूरे देश से AICC मेंबर्स, PCC डेलीगेट्स, कोऑप्टेड मेंबर्स आएंगे। लगभग 15,000 ऐसे लोग हैं जो देश भर के कांग्रेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। भव्य इंतजाम यहाँ पर रायपुर में किया गया है। चारों तरफ बैठने की जगह आप देख सकते हैं। अभी कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा। साथ ही साथ आज स्टीयरिंग कमेटी होगी और एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, नए अध्यक्ष बनने के बाद, यानी खड़गे साहब जब अध्यक्ष बने तो CWC हटाकर स्टीयरिंग कमेटी करी गई है, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कैसे बहाल हो, इसको बार बार राहुल गांधी कह रहे थे। तो क्या आज इस बात पर फैसला होगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चुनाव हो, लंबे समय से डिमांड है। अगर चुनाव होता है तो लगभग 6 से 8 घंटा चुनाव चलेगा, क्योंकि यही AICC मेंबर्स, कोऑप्टेड मेंबर्स और PCC डेलीगेट CWC का चुनाव करेंगे। अलायंसेस किसके साथ हो, किन किन दलों के साथ कांग्रेस पार्टी लड़े या अकेले लड़े, कहां पर किसके साथ जाए, इसको लेकर भी एक लंबा चौड़ा खागा खींचा जाएगा। 24 की तैयारी कैसे हो, 23 की चुनाव की तैयारी कैसे हो, सब कुछ रायपुर से होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में चुनाव है, इसको लेकर भी कांग्रेस अपने सेशन में मंथन करेगी। खड़गे साहब अध्यक्ष बने थे इसलिए उनका अध्यक्ष पद जो है उसको रेक्टिफाई भी AICC सेशन में किया जाएगा। सवाल सिर्फ एक बड़ा है कि कांग्रेस 24 के लिए क्या करेगी, क्या राहुल गांधी को इस प्लेनरी सेशन से प्रोजेक्ट किया जाएगा कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, अलायंसेस को लेकर क्या बातचीत होगी, इन सब चीज़ों पर 3 दिन तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इसी स्टेडियम में और इसी मंच से मंथन चलेगा। रजत राकेश टंडन, कैमरामैन दिनेश के साथ रायपुर। आज से 3 दिनों तक पूरी कांग्रेस पार्टी देश भर की रायपुर में रहेगी, प्लेनरी सेशन है और शुरुआत इसकी वर्किंग कमेटी से होगी। आप पीछे देख सकते हैं ये बस आई है, जितने भी लीडर्स हैं वो सब इसी बस में हैं, सब एक साथ आए हैं। आनंद शर्मा जी को आपने देखा, अशोक गहलोत जी को आप देख रहे हैं, आप नीचे देखेंगे प्रतिभा सिंह जी हैं हिमाचल से, पवन कुमार बंसल जी हैं, साथ ही साथ पीछे आप देखेंगे जितने भी नेता हैं वो सब एक साथ बस से लाए गए। पीछे एक और भी बस है। तो कोशिश यही है कि जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पर हो, मंथन हो कि कैसे कांग्रेस 24 में चुनाव लड़ेगी। अजय माखन जी को आप देख सकते हैं, पीछे हरीश चौधरी जी हैं, ये जितने भी लीडर्स हैं वो सब पहुँच रहे हैं। तो कोशिश यही है कांग्रेस पार्टी की सब लीडर्स साथ में हो और ज़्यादा से ज़्यादा मंथन हो कि 23 में विधानसभा और 24 में लोकसभा कांग्रेस पार्टी कैसे जीते। कैमरामैन दिनेश के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी। हरीश रावत जी, 3 दिन का प्लेनरी सेशन है, लोग कह रहे हैं 24 और 23 के विधानसभा चुनाव की तैयारी। ये देश को दिशा देने वाला एक महाधिवेशन है और इस महाधिवेशन से 2024 की राजनीति की दिशा भी तय होगी।
अलायंसेस को भी लेकर बातचीत होगी? निश्चित तौर पर होगी, सारी समसामयिक परिस्थितियों पर। इस समय जो परिस्थिति है, कांग्रेस का जो वोट बैंक जा रहा है उसको लेकर भी दिक्कत होगी, कहाँ कहाँ कनेक्ट नहीं है, वो कनेक्ट कैसे? निश्चित तौर पर सारे एस्पेक्ट जो है जिससे 2024 के इलेक्शन जीतने के लिए जो आवश्यक है देश की राजनीति में परिवर्तन लाने के लिए जो चीजें आवश्यक है वो सब किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरीश रावत जी, कह रहे थे कि 24 के लिए जो जो चीजें जरूरी है उस पर काम होगा। कैमरामैन दिनेश के साथ रत्नाकर टंडन, इंडिया न्यूज रायपुर। मुझे लगता है कि इस अधिवेशन से एक नया संदेश जाएगा पूरे कांग्रेस जनों के अंदर, और रायपुर से AICC का अधिवेशन देश की राजनीति में एक अहम जगह रखता है। यहाँ पर जो प्रस्ताव पारित होंगे, जो संदेश जाएगा, उसको कांग्रेस के जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, और 24 के लिए NDA की सरकार का जो रिवर्स काउंटडाउन है वो यहाँ से चालू होगा। कांग्रेस का बड़ा महत्वपूर्ण है, मजबूत होकर निकलेगी पार्टी हमारी।